guys, welcome back to my channel. So आज की वीडियो है how to apply perfect winged liner for beginners. विंग लाइनर लगाने का परफेक्ट तरीका बिगिनर्स के लिए. तो गाइस यहाँ पर मैं आप सबके साथ दो ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आप काफी इजीली विंग लाइनर लगा सकते हैं. तो विंग लाइनर लगाने के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए एक मिरर आपके पास होना चाहिए, तभी आप परफेक्टली विंग लाइनर लगा सकते हैं. सो नेक्स्ट हमें चाहिए लाइनर. तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ लैकमे का इंस्टा लाइनर. ये वाटर रेजिस्टेंट है और काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, लाइक 90 रुपीज समथिंग का ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे मिल जाएगा और आप इसकी जगह कोई भी अपनी पसंद का लाइनर यूज कर सकते हैं. तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं एंड पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लाइनर लगाते हुए सबसे पहली चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके ब्रश पे ज्यादा प्रोडक्ट ना लगा हुआ हो, हल्का सा प्रोडक्ट आपको यूज करना है. ट्रिक नंबर वन है आपको लाइनर लगाना शुरू करना है सेंटर से और एक हाथ में होल्ड करना है आपको मिरर कुछ इस तरह से. सो फर्स्ट मैं सेंटर में क्रिएट कर रही हूँ एक लाइन. देन इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको प्रोडक्ट काफी कम यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से आपको यूज करना है. देन इसके बाद हमारी ब्रश में काफी कम लाइनर है तो हमें अब इनर कॉर्नर पे इसे यूज करना है कुछ इस तरह से. देन इसके बाद हमें क्रिएट करनी है विंग. तो विंग को क्रिएट करते हुए आपको फोकस करना है अपने ब्रोज के एंड पे, बिकॉज यहाँ से हमें एक लाइन स्टार्ट करनी है कुछ इस तरीके से. आपको ब्रोज पे फोकस करना है तो जहाँ मेरी ब्रोज एंड हो रही है उस तरफ मैं फोकस करती हूँ, यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ एक लाइन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ब्रश में जो भी लाइनर था वो खत्म हो चुका है. तो अब मैं दोबारा यूज कर रही हूँ लाइनर. देन इसके बाद मैं लाइनर को सेंटर में से विंग की तरफ लेती हुई आ रही हूँ इस तरीके से. अब ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि आपको लाइनर थिक लगाना है या थिन लगाना है, तो ये चीज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती है. तो मैं यहाँ से विंग की तरफ से लेती हुई लाइनर को सेंटर में आ रही हूँ. अब मैं इनर कॉर्नर में से लेती हुई आ रही हूँ अपने लाइनर को सेंटर में. सो गाइज यहाँ पर मेरा लाइनर कंप्लीट हो गया है. सो ये थी मेरी ट्रिक नंबर वन जो कि मुझे काफी पसंद है और परफेक्टली मेरे लाइनर लग गया है. एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरी विंग भी बिल्कुल परफेक्टली लगी है. तो अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं परफेक्ट विंग लाइनर. तो आपके लिए ट्रिक हेल्पफुल रही ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, जल्दी से जाके आप लाइक कर दीजिए. अब बारी आती है ट्रिक नंबर टू की. अगेन आपको अपने लाइनर की बोतल पे जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है आपकी ब्रश पे उसे साइड में निकाल देना है. बिल्कुल कम प्रोडक्ट आपको यूज करना है. लेफ्ट आई पे मैंने विंग लास्ट में क्रिएट की थी और राइट आई पे मैं विंग पहले ही क्रिएट कर रही हूँ. तो अगेन आपको फोकस करना है अपने ब्रोज के एंड पे. अगर आपकी आईज का साइज छोटा है तो इस तरीके से अपनी आईज को यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं. तो इसे आपको जो विंग क्रिएट करोगे वो परफेक्टली आएगी. क्रिएट करने के बाद अब मैं इनर कॉर्नर में से स्टार्ट कर रही हूँ लाइनर लगाना. सेंटर में से ले जाती हुई मैं इसे विंग पे ज्वाइन करूंगी. सो ये थी मेरी ट्रिक नंबर टू. आई रियली होप कि आपको मेरी ये दोनों ट्रिक्स पसंद आई हो और इस तरह से आप बिल्कुल परफेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विंग लाइनर्स. तो गाइस अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना. और आगे से आप इस तरह की और भी वीडियोज चाहते हो तो मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताना. सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू.